जय गो माता जय गोपाल। आज हरे चारे के लाभार्थी 5100 रुपये के श्रीमान सुरेश कुमार प्रेमा राम जी सियाग साहब चौरा वालों की तरफ से है। छोटे बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और आज हमारे गो भक्त पधारे हुए हैं पादरा भिनमाल से मुकेश जी सोनी साहब छोटे बच्चों के गौशाला में सेवा देखने के लिए। और इन्हें ऐसे गो भक्तों का आशीर्वाद और समय पर बहुत अच्छा सहयोग रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बछड़े थोड़ा आज बाहर निकाले क्योंकि रेती बिछाया है ऐसे, और अब हरा चारा डाल करके बछड़ों को अंदर बुलाया जाएगा। और हमारे गौ भक्त किशोर जी और गौ भक्त और साथ में पुरोहित समाज के युवा सितारे और बहुत अच्छे सभी गौ भक्त हैं। समय समय पर हर गौ सेवा में गौशालाओं में इन युवाओं का बहुत पूर्ण सहयोग रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दानदाताओं को। और यह ऐसे रेती बिछाया जो परसों डाला वो गौशाला में आप देख सकते हो, ऐसे बालू मिट्टी बिछाया गया। और पादरा की गौ सेवा तो बहुत अच्छी, वहाँ भिनमाल जो हरीश जी के पादरा के आसपास भिनमाल के आसपास जहाँ गौ भक्त राकेश जी बीडियो साहब के वहाँ जो गौ माता के लिए अलग जगह ही हुई है, तो वहाँ की सेवा तो एक अलग तरीके से है। और हमें भी वहाँ से आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आज हरचारे के लाभार्थी सुरेश कुमार प्रेमा राम जी सियाग साहब चौरा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हरचारे के थोड़े भमासा जोगा राम सिनोब श्री हमारे गौ भक्त है धुंधड़ा जोधपुर से, थोड़ा सहयोग उनका भी है इस बाजरी में हरे चारे में। जोगा राम सिनोब कृष्णा राम जी माली जोधपुर धुंधड़ा से जो फेसबुक के माध्यम से गौ भक्तों ने दान दिया 1100 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौ माता जय गोपाल।